सकते हो। अभी देखो ये पाइप जो है कहाँ जा रहा है आपको पता है, चेन लुब्रिकेशन है, वो कितने टाइम में करना चाहिए। मैं सिटी में देखता हूँ लोग हजार लाइट चालू करके जा रहे हैं यार, अरे कुछ भी यार। हमने बाइक को टेस्ट राइड ली और वो बाइक हीट बहुत ज़्यादा कर रही है। गाइस तो आपने नई बाइक खरीदी है और आपको केयर करना है आपकी बाइक की, कैसे करें, क्या करें, क्या सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप करेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी नई बाइक या फिर एग्जिस्टिंग बाइक जो आपके पास है उसकी केयर करने में। स्टार्ट करते हैं वीडियो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि आपकी जो बाइक है उसकी ध्यान उसका ध्यान कैसे रखा जाए। फिलहाल मैंने एक इंसिडेंट देखा उसकी भी बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माय नेम इज अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पी एज लाइफ। आई नो यार वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ अभी, चीज़ें थोड़ी सही नहीं चल रही। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी बाइक की केयर कैसे करें, ठीक है। कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो मुझे अभी खुद पता चले मैकेनिक से, और लिटरली अभी उस बंदे ने बोला है कि एक मैंने मेरे आंखों के सामने एक GT 650 रॉयल इनफील्ड ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, उसका टैंक पूरा जा चुका है, अंदर से पूरी रस्टिंग हो चुकी है। क्यों हुई है, कैसे हुई है, सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं जस्ट अभी एक और चीज़ बता दूँ, मैं अभी रॉयल इनफील्ड के शोरूम से आ रहा हूँ गुरिल्ला 450 देख के, एंड दैट बाइक इज़ रियली गुड। मैं उसका एक पूरा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे उस GT 650 वाले भाई ने क्या गलती करी कि उसकी बाइक के इस टैंक में रस्टिंग हो गई, और आप वो गलती मत करना। बहुत बेसिक सी चीज़ है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारी बाइक है, ये इंजन है, आपको आपकी बाइक में नहीं ये पाइप दिखेगा। अभी ये हार्ले डेविडसन X440 है मेरे पास, इसमें ये जो पाइप है ये एक्सपोज है, ये बाहर ही दिखता है। और ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, अगर आपको झंझट नहीं चाहिए दिमाग पे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आप क्लीनिंग कर सकते हो। अभी देखो ये पाइप जो है कहाँ जा रहा है आपको पता है, ये पाइप जा रहा है यहाँ पे, आपके जा रहा है टैंक पे। बाय द वे इसकी भी एक चीज़ बताऊँगा आपको मैं, एक बंदे का मुझे कॉमेंट आ रहा था, भाई ये खुल नहीं रहा है उसका टैंक, कैसे नहीं खुल रहा है बताऊँगा। अभी देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे होल दिख रहा है आपको, ये होल दिख रहा है, ये जो होल है ना, अगर जस्ट इन केस यहाँ पानी जम जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये तो रबर से सील हो जाएगा आपका, ठीक है, ये रबर से सील हो गया तो अंदर पानी नहीं जाएगा, अंदर सिर्फ पेट्रोल जाएगा। मानसून में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पानी जम जाता है, अब वो पानी यहाँ पे ना रह जाए, इसके कारण ये छेद है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे होल है, यहाँ से वो पानी निकल के यहाँ चला जाता है। और अगर आपका ये जो होल है, ये जो छेद है ना यहाँ पे, ये अगर ब्लॉक्ड हो गया तो पूरा पानी यहाँ पे जमेगा। और अब जब भी टैंक का ये पेट्रोल भरवाने के लिए खोलोगे टंकी का ये कैप, पानी पूरा अंदर चला जाएगा और आपके जो टैंक है अंदर से पूरी रस्टिंग कर देगा वो। और इसके कारण से जो हमारे रॉयल इनफील्ड वाले भाई थे मैकेनिक के पास, उसकी बाइक का अंदर का पूरा टैंक रस्टिंग हो गया, अब उसको पूरा का पूरा नया टैंक बिठवाना पड़ेगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, अब उसको साफ़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। या तो आप यहाँ से सीधा फूंक मार दो, यहाँ से सीधा फूंक मार दो तो जो भी डर्ट है, जो भी गंदगी है वो सीधा के सीधा नीचे निकल जाएगी। या तो आप एक काम कर सकते हो, सीधा यहाँ से फूंक मारो ऊपर की साइड, तो जो भी कचरा वगैरह है, जो भी कचरा है वो अंदर से निकल जाएगा। इसको आपको क्लीन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसको क्लीन नहीं किया, पानी अंदर चला गया यहाँ पे, तो अंदर रस्टिंग हो जाएगी, पेट्रोल के साथ पानी मिक्स हो जाएगा और वो आपकी बाइक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो आपकी बाइक के इंजन में हर जगह इफेक्ट करेगा, माइलेज वाइलेज रस्टिंग होगी वो अलग, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको ध्यान रखो। अभी देखो जो दूसरी चीज़ मेरे को एक भाई बोल रहे थे, अभी देखो यहाँ पानी नहीं क्योंकि मैंने इसको साफ़ किया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को एक कमेंट आया हुआ था कि भाई मेरी ये टंकी नहीं खुल रही है, पता है आप क्यों नहीं खुल रही है, ये बहुत बेसिक है यार। इसमें आप ऑयलिंग कर लो, आपकी जो बाइक की चाबी है ना, इसमें आप ऑयलिंग कर लो, आपका जो ये टंकी खुलने लगेगा, लिटरली बटर स्मूथ हो जाएगा। तो बहुत बेसिक केयर मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ बाइक में करने के लिए, अपनी चाबी को ऑयल करते रहो। मेरी बाइक में आपको हल्का फुल्का ऑयल दिखेगा क्योंकि जस्ट मैं अभी ऑयलिंग करा के आया हूँ। चाहे आपकी यहाँ पर लगाओ, चाहे आप यहाँ पर लगाओ, आपको अपनी की में आपको महीने में एक बार ऑयलिंग कर लो। अभी बारिश का टाइम है, जो ऑयल है वो निकल जाते हैं, इस कारण से इसमें आप ऑयलिंग करो और इसको बढ़िया से इसके अंदर डाल के अच्छे से घुमा दो, अंदर भी अच्छे से ऑयलिंग हो जाए, सब हो जाए, सील पैक हो जाए, है ना। और सेम चीज़ आपको इसको भी आप अंदर डाल के बढ़िया से लॉक कर लो, अंदर पूरा ऑयलिंग वगैरह कर लो, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान रखने वाली है। अब एक और चीज़, आपकी जो बाइक है उसकी जो चेन लुब्रिकेशन है वो कितने टाइम में करना चाहिए। पर्सनली मैं आपको बताता हूँ मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं चेन ऑयलिंग के लिए यूज़ करता हूँ मुटोल, या मैं जो भी दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन ब्रांड्स हैं, मैं सबके जो ब्रांड के लिंक्स हैं वो मैं आपको डाल दूंगा। कितने ड्यूरेशन में करना है तो इसका देखो यार, मैं जो फॉलो करता हूँ अपना रूल, अभी मैं ट्रिप पे गया था, हर 450 से 500 किलोमीटर्स में, अभी बारिश का टाइम है, 450 किलोमीटर से आप 400 से 500 किलोमीटर में आप ये चीज़ ध्यान रखो। अब ऑब्वियसली आप एक बाइक ओन कर रहे हो, उसकी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। 400 से 500 किलोमीटर हो जाएं जब आपके बाइक पे,
तो ओडोमीटर को ध्यान रखो, हर 400 से 500 किलोमीटर में आप एक बार ऑयलिंग कर लो, आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़िया से मक्खन मलाई चलेगी आपकी बाइक। नहीं करोगे ना तो फिर ये चू 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 आवाज़ करने लगेगी। अभी मेरी बाइक लिटरली आवाज़ करने लगी थी यहाँ नीचे से, तो जस्ट मैंने ऑयलिंग की है अभी इसमें, और लिंक डाल दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक में आप क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हो। अगेन जो फोर्थ चीज़ है आपको बतानी है मुझे, वो है इसको हज़ार्ड लाइट को लेके। आई डोंट नो व्हाई वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद दी हज़ार्ड लाइट। गाइस आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अभी देखो, अब मैंने यहाँ पे हज़ार्ड लाइट चालू करी, ठीक है, ये देखो हज़ार्ड लाइट चालू हो गई। आई डोंट नो व्हाई वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद दीज हज़ार्ड लाइट। हमको खाली रोड दिखेगी, हमको हम टनल के अंदर घुसेंगे, हमें हज़ार्ड लाइट चालू कर लेते हैं। गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, हज़ार्ड लाइट्स आर यूज वेन यू आर हज़ार्डस टू समवन। हज़ार्ड लाइट का मतलब ही वही, आप गूगल सिंपल सा गूगल करोगे ना आपको समझ आएगा हज़ार्ड का मतलब क्या होता है। आप जब किसी के लिए ख़तरा हो तब आप ये लाइट्स यूज़ करते हो, जब आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, जब आप अपनी बाइक को या फिर कार को स्लोली साइड में ले रहे हो और जो ऑन गोइंग ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तब आप ये चीज़ें यूज़ करते हो। फॉग में हाँ यूज़ कर सकते हो, जब धुंधला हो, जब बहुत ज़्यादा फॉग हो, बट मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बारिश होने लगती, थोड़ी बहुत बारिश होगी और वो फॉग लाइट जला के बैठ जाते। अरे भाई उसके लिए नहीं है हज़ार्ड लाइट्स, उसके लिए हज़ार्ड लाइट्स हैं ही नहीं। हज़ार्ड लाइट्स यूज़ कब करना है प्लीज़ उसका ध्यान रखो। हम इंडियंस ऑब्सेस्ड हैं इस चीज़ को लेकर, तो हज़ार्ड लाइट कब यूज़ करनी है ये समझो, जब आप किसी के लिए ऑन गोइंग ट्रैफिक के लिए आप एक खतरा हो तब आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि बस बारिश चालू हो गई यहाँ पे, मैं सिटी में देखता हूँ लोग हज़ार्ड लाइट चालू करके जा रहे हैं यार, अरे कुछ भी यार ऐसे मत करो, बहुत बेसिक सी चीज़ है बता रहा हूँ मैं। मेरे को इस पर एक शॉट भी डाल दूंगा मैं इंस्टाग्राम पे, बाय द वे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उस पर बता दूंगा। फिफ्थ चीज़ आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे सोसाइटी में बिल्लियाँ बहुत है, आपको बिल्ली के पैर के निशान दिख जाएंगे। अब मैंने मेरी बाइक में कराया हुआ है PPF, ठीक है, तो PPF के कारण क्या हो रहा है, जब बिल्ली मेरे, ये देखो आपको दिख रहा है स्क्रैच दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बिल्ली के पैर के निशान है। अब जब बिल्ली ना चढ़ती है मेरी बाइक पे, ठीक है, वैसे तो मैं इसमें कपड़ा डाल देता हूँ रात में, बट जब बिल्ली मेरी बाइक पे चढ़ती है ना वो स्क्रैच मार देती है। बट मेरी बाइक में PPF हो रखा है, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे पूरी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, तो जो बिल्ली के निशान है वो PPF पे आ रहे हैं। अंदर से बाइक जो है वो ओरिजिनल है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ पे PPF को भी मेंटेनेंस लगता है, हर 2-3 महीने में आपको एक बार PPF को जाके करेक्ट कराना पड़ेगा, जो कि 100-150 रुपये में हो जाता है। तो ये मेरा निकलने लगा है, यहाँ से निकलने का लगा ही ऐसा ही है बहुत टाइम से, बट इसको मैं जाके सर्विस करवा लूँगा, वो भी हो जाएगा। फिलहाल मैं हज़ार्ड लाइट्स की बंद करता हूँ, नहीं तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट जो चीज़ मुझे यही मेंशन करनी, जो मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, प्लीज़ अपनी बाइक को ऑन करके मत रखो भाई, अपनी बाइक को ऑन करके मत रखो, क्योंकि आपकी जो बाइक है वो, अरे धीरे गर्म इंजन है, पैर जल गया, आई नो दिस, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1-2 जैसे आई बटन में आपकी जो बैटरी वोल्टेज है ये 12 के हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। जो बैटरी वोल्टेज यहाँ पे गए ना, ये देखो 12.3 है अभी मेरा, यूजुअली 12.4 होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी जो बैटरी वोल्टेज है उसका हमेशा आप जो वोल्टेज है वो चेक करते रहो। हार्ले डेविडसन X440 में जो भी आजकल की टेक्नोलॉजी जिस बाइक्स में आ रही है उन सब में फ़ीचर मिल जाता है आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। और जो नए बायर्स हैं, नेक्स्ट टिप उनके लिए है, जो लोग बोल रहे हैं भैया हमारी बाइक में, जो भी टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं ना, वो मुझे बोल रहे हैं भाई हमारी, हमने बाइक को टेस्ट राइड ली और वो बाइक हीट बहुत ज़्यादा कर रही है। मैंने अपनी हर एक वीडियो में बोला है गाइस, ये 450 cc का इंजन है, कोई छोटा सा इंजन नहीं है जो हीट ना करे। आप रॉयल इनफील्ड की कोई भी 650 की सीरीज़ की बाइक चला लो, कॉन्टिनेंटल हो, चाहे वो GT हो, चाहे शॉटगन हो, चाहे कोई भी बाइक हो, आपको उसमें हीट लगेगी। हिमालयन चला लो, हीट लगेगी आपको उसमें। ट्राइम 400 से स्पीड 400 चलाओ, स्क्रैम्बलर 400 चलाओ, सब में आपको हीटिंग इशू है ही, उसको पहली बात तो इशू बोलना ही नहीं चाहिए। लोग मेरे को हीटिंग इशू बोल रहे हैं इसलिए मेरे मुंह से हीटिंग इशू निकला, हीटिंग इशू नहीं है वो, बाइक के बड़े सीसी के इंजन है इसलिए बाइक में लिक्विड कूल आता है, इसमें नहीं है लिक्विड कूल, बट जो यू नो अभी जो ट्राइम की बाइक है उसमें लिक्विड कूल आता है। वहीं अगर आप इसको देखोगे GT 650 वगैरह, उसमें भी लिक्विड कूल भी नहीं आता, रॉयल इनफील्ड तो भाई एयर कूल में ही चल रहा है अभी तक जो स्प्लेंडर में आता है, तो कोई हीटिंग इशू नहीं है वो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो और आपकी बाइक बढ़िया से इंजॉय करो। अगर आपको लगता है कि आपके टेस्ट राइड बाइक जो है आपको मिली हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू है, तब फिर आप एक दूसरा यूनिट डिमांड कर सकते हो कि मुझे दूसरी बाइक टेस्ट राइड करके देखनी है, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे इनसे में सुनने में आ रहा है मुझे कि जो डीलरशिप के पास बाइक हैं वो लोग एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं जो भी टेस्ट राइड करने जा रहा है कि भैया हमारी बाइक जो टेस्ट राइड बाइक है, TD बाइक जिसको बोलते हैं, उसको हम सर्विस नहीं करते हैं, तो उससे हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा है।
उनसे एक अच्छी बाइक डिमांड करो, ताकि आपको टेस्ट राइड करके देखो आप उस बाइक को, और आपको फिर मज़ा आएगा चला के, तभी आप अपना डिसीजन बनाना कि आपको बाइक लेनी है या नहीं। और लास्ट में एक बोनस टिप मैं देना चाहूँगा ये, कि अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो, अगर आप इंस्टाग्राम में अपने वीडियोज़ बनाते हो और यूट्यूब पर अगर आप वीडियोज़ बनाते हो, तो आप एक ऐसा ना यहाँ पे अपने चैनल का नाम या फिर इंस्टाग्राम का नाम लिखवा सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ 50-60 रुपए में आपकी बाइक जब पार्किंग में खड़ी भी रहेगी ना, तब भी आपका जो चैनल है, आपका जो ब्रांड है ना, वो प्रमोट हो रहा है। सो यू कैन, दिस इज़ द बेयर मिनिमम थिंग यू कैन डू टू प्रमोट योर ब्रांड। 50-60 रुपए में इसको लगवा लो। ये बहुत ज़्यादा बड़ा लिखवाया है मैंने, आप छोटा भी लिखवा सकते हो। ये मैंने हैप्पीएस्ट लाइफ का यहाँ पे लिखवाया है, मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिखवाया, आप कहीं भी लिखवा सकते हो। उसमें बहुत सारी जगह है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे भी लिखवाया है लोगों ने, आप यहाँ पे लिखवा सकते हो। यूजुअली क्या होता है, ट्रैफिक में जब आपकी गाड़ी रहती है तो पीछे से लोग आते हैं, तो यहाँ पे भी आप लिखवा सकते हो, जहाँ भी आपको ठीक लगे। एक छोटा सा ना ब्रांड, आपका खुद का ब्रांड है यार। एट द एंड ऑफ द डे सब मेहनत कर रहे हैं कि कुछ व्यूज़ मिले, कुछ ये मिले, तो उन सारी चीज़ों को लेके आप ये चीज़ करवा सकते हो। सर्च करके देख लेगा, एक आध दो फॉलो कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, आपको हेल्प होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मुझे यही सारी चीज़ आपको बतानी थी। टैंक वाली जो मेन चीज़ थी वो मुझे कवर करनी थी, प्लीज़ उसको ध्यान रखो। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे पानी जम रहा है, तो नीचे से फूंक मार दो या ऊपर से उसको क्लियर कर दो, ताकि वहाँ पे पानी ना जमे और आपकी जो बाइक का टैंक है वो सेफ़ रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि अभी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सेल लाइव है, तो बढ़िया से वहाँ फॉलो करो। बहुत सारी डील्स, लूट ऑफर, सस्ते से सस्ते लूट ऑफर, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, फॉलो कर लो टेलीग्राम पे, आपको सारी चीज़ें समझ में जाएंगी वहाँ पे चलता क्या रहता है हमारा। तो चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।